नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोकसभा इंतखाबात के रुझानों में एनडीए की हुकूमत बनती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के पास भी हुकूमत बनाने का मौका है। आइए ये पूरा इक्वेशन समझने की कोशिश करते हैं। 2024 लोकसभा इंतखाबात के अब तक के रुझानों ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी तन्हा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम साबित हो रही है। पूरे एनडीए इत्तेहाद के लिए भी 300 का हदफ पार करना मुश्किल हो रहा है। इन नतीजों ने इंडिया अलायंस को एक हद तक खुशी बख्शी है। रुझानों के लिहाज से वैसे तो इंडिया इत्तेहाद 231 सीटों पर अटका हुआ है और अक्सरियत से पीछे है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है। हम अपने को एंकर शाहिद रहमानी से बात करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने रिसर्च में एक इक्वेशन तैयार किया है जिसके जरिए इंडिया इत्तेहाद हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकता है। शाहिद, ओवर टू यू। मरकज में हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस को 272 सीटों की ज़रूरत होगी, जबकि रुझान के लिहाज से वो 231 सीटों पर आगे चल रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस को हुकूमत बनाने के लिए मज़ीद 47 सीटों की ज़रूरत होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं उन 47 सीटों की कमी कांग्रेस पार्टी किस तरह पूरी कर सकती है। सबसे पहले तो राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस को दीगर सियासी पार्टीज़ और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब रुख करना होगा, जो करीब 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे ग्रुप 7 और एनसीपी के अजित पवार 1 को मिलाने में कामयाब हो जाती है तो उससे 8 सीटें और मिल जाएगी। इस तरह कांग्रेस पार्टी को 28 सीटें मिल सकती है, लेकिन अब भी उसे मैंडेट के लिए 19 सीटों की ज़रूरत होगी। अब कांग्रेस अगर बिहार में नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आए तो उसे 15 सीटें और मिल सकती है, क्योंकि जेडीयू रुझानों में इतनी सीटों पर आगे चल रही है। उसके बाद अगर बीजेपी के कुछ शरीक पार्टीज नाराजगी की वजह से कांग्रेस के खेमे में आ जाते हैं तो इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनना तय है। उसके अलावा कांग्रेस के पास टीएमसी का ऑप्शन भी मौजूद है, क्योंकि बगड़ी बंगाल में सीटों की तकसीम को लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस में इत्तेफाक राय नहीं हो पाया। ऐसे में ममता ने इंतखाबात में इलाहाबाद हिस्सा लिया, लेकिन इंडिया के साथ होने की बात कही थी। उन्होंने साफ साफ कहा था इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनाने में उनकी ज़रूरत पड़ी तो बाहर से इंडिया को हिमायत देंगी। टीएमसी तकरीबन 31 सीटों पर आगे चल रही है। अगर वो कांग्रेस के पाले में आ जाते हैं तो कांग्रेस की हुकूमत बिल्कुल बन जाएगी। नाज़रीन, आपको बता दूं कि फ़िलहाल लोकसभा की तमाम 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इन इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद ने बीजेपी के क़यादत वाले एनडीए को कांटे की टक्कर दी है। आलम यह है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस इस बार 90 सीटों से ज़्यादा पर आगे चल रही है। वहीं इंडिया इत्तेहाद ने 232 सीटों पर सबकत बना रखा है। अब तक के रुझानों ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। एनडीए करीब 290 सीटों पर आगे चल रही है, में बीजेपी की झोली में 240 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के चेहरे पर इंतखाबात लड़ने वाली बीजेपी इस बार अपने दम पर अक्सरियत भी हासिल नहीं कर पाएगी। ऐसे में हुकूमत चलाने के लिए उसे अपने शरीक पार्टीज के रहमोकरम पर मुनहसिर रहना पड़ेगा। इसका नुकसान पार्टी को अपने फैसलों के दौरान उठाना पड़ सकता है। आदादोशुमार पर गौर करें तो बीजेपी भले ही खुद अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन एनडीए के पास वाज़े मैंडेट है और वो लगातार तीसरी बार इख्तदार पर काबिज होने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि गुज़िश्ता दो इंतखाबात के मायूसकुन मुजाहरों के बाद 2024 के रुझानों में आसमान पर पहुंची कांग्रेस क्या सही मानों में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है? गौर करने वाली बात यह है कि अगर सियासी इक्वेशन पर गौर करें, जैसा कि मेरे को एंकर शाहिद ने आपको बताया, तो ऐसा होना मुमकिन है। शुक्रिया।